लेकिन वो रामगिरी महाराज को जानने का नहीं है। रामगिरी महाराज समझिए बदतमीज आदमी है। ये साधु संत का देश है, ये भारत है, यहाँ ऋषि मुनि। पहले महाराष्ट्र में एक ढोंगी बाबा के द्वारा, जिनका नाम रामगिरी है, जिनका नाम लेने से पहले लानत के द्वारा, आज हम लोगों ने कटिहार में भी एहतजाज किया है। चौधरी मोहल्ला से एक प्रोसेशन निकला था और हम लोगों ने शहीद चौक तक उसका मालूम है। और आप ही लोग के चैनल से हम लोगों ने देखा था कि एक प्रवचन के द्वारा हम लोग के प्रोफेट हैं मोहम्मद साहब, उनके विरोध में अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसको लेकर पूरे देश में और एहतजाज का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने कटिहार में भी एहतजाज किया है। चौधरी मोहल्ला से एक प्रोसेशन निकला था और हम लोगों ने शहीद चौक तक उसका हुआ इकदाम हुआ। हम मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, गवर्नर तक भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा, और जो भारतीय कानून के तहत उसको दंड देना है उसको दंड देना। हम लोगों ने मांग किया है कि जो रामगिरी बाबा हैं, अगर वो बाबा सही माने में है तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, और सब लोग मोहम्मद साहब के पैरोकार हैं। मोहम्मद साहब हमेशा दुनिया में 63 साल की उनकी जिंदगी रही, लेकिन 63 साल के दरमियान उन्होंने किसी भी धर्म पर कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। और लगभग मैं आपको बता दूं कि उनके रास्ते पर पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बल्कि और भी धर्म के लोग चल रहे हैं, चूंकि मोहम्मद साहब ने एक अच्छा रास्ता दिखाया। आज जो हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोने का रस्म है, ये मोहम्मद साहब का देन है। हम लोग जो कपड़ा पहनने का रस्म है, ये मोहम्मद साहब का देन है। उन्होंने बताया कि आप अपने पड़ोसी का ध्यान रखिए, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, अगर वो भूखा है, तो आप भरपेट जो खाना खा रहे हैं वो खाना आपका हराम है। आप पहले अपने पड़ोस को देखिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग है। तो मोहम्मद साहब ने इतना अच्छा पैगाम दिया दुनिया के लोगों को, और जिन लोगों को अपने आप को हाइलाइटेड होना होता है वो लोग इस्लाम पर एक लालचन लगा देते हैं ताकि लोग हमको जाने, लेकिन वो रामगिरी महाराज को जानने का नहीं है। रामगिरी महाराज समझिए बदतमीज आदमी है। ये साधु संत का देश है, ये भारत है, यहाँ ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, इसलिए लोग एक दूसरे के का कदर करना चाहते हैं, एक दूसरे के किसी भी तरह का कोई लालचन नहीं लगाना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भी दिया है मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब ने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मैं आपके मेमोरेंडम को ऊपर तक भेजने का काम करूंगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले महाराष्ट्र में एक ढोंगी बाबा के द्वारा, जिनका नाम रामगिरी है, जिनका नाम लेने से पहले लानत के द्वारा गुस्ताखे रसूल किया गया। रसूल हमारे रसूल तमाम जहान के नबी बनाकर भेजे गए, रहमत आलमीन बनाकर भेजे गए, उनके द्वारा कुछ अब कहा गया जिसको हम लोग अपने जुबान से क्या मिला, उसी के विरोध में आज हम लोग चौधरी मोहल्ला से निकल कर सही चौक तक एक विरोध जुलूस का अच्छे थे, जो कि अभी खत्म हुआ है। और हम लोगों की सरकार से मांग है कि रामगिरी बाबा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और फांसी की सजा दी जाए, या फिर भारत के संविधान में जो कानून के तहत जो सजा होती है वो सजा उन्हें दी जाए। हनुमान मंजर राणा संयोजक।